वाहे सिमर सिमर सुख पावो कल कलेस तन माहे मिटावो वाहिगुरु 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 संबर एक नाम जप दयाकांत अनेक विपरान सिमर तो ताखर किन राम नाम एक आखर ओ किन का एक चित दीप पावे ताकी महिमा कांची एक दर्श तोहारो आन जीवन संग अनारो
सत्कार योग गुरु प्यार दे विच गुरु दरबार दे अंदर सुशोभित होई। गुरु प्यारे साध संगत जियो, ख्यालां नूं बाहर जाण तों रोकीए, चित विरतियां नूं करिए एकागर, रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी सतनाम। पातशाह जी दी साडे सारयां दे उत्ते अपार बख्शिश होई। इस पवित्र पावन अस्थान धन धन बाबा खदास सिंह जी दे नाल तकरीबन 500 साधु जन इस पावन धरत दे उत्ते बैठ के जिन्हां ने तप साधना कीती, उपरंत संत महाराज जी साडे सारयां दे ते उन्हां दे मुबारक चरण पे जिवें हुणे ही तुसीं बहुत ही प्यार दे नाल बड़े सत्संग दी महिमा जो कि बहुत ही गुरमुख प्यारे जिन्हां ने इस अस्थान दे उत्ते किन्ना लंबा समा सेवा कीती है ते हुण भी कर रहे हन, सत्कारयोग भाई साहब भाई बेअंत सिंह जी कानूगो साहब, बड़ी इन्हां दी अथाह घालणा है। जे वेखीए तां जे महापुरशां कोल भी इह जांदे रहे, छे छे महीने इन्हां दे नाल सतनाम सिंह हुंदे, होर भी इन्हां दे साथी हुंदे, महापुरशां नूं बार बार बेनतियां करनियां। छे महीने तां इन्हां दे उत्थे ही लंघ गए। महापुरश भी शरदा वेखदे ने, भावना वेखदे हन। परम पूजा सत्कारयोग बी जी ने एक दिन फिर महापुरशां नूं कहा कि ये बच्चे नौजवान, क्योंकि उस समय ये तकरीबन 1994 की गल है, 95 दे विच महापुरश इत्थे आए, कहन लगे कि तुसीं इन्हां दी बेनती वल क्यों नहीं ध्यान दे रहे। उस दिन महापुरशां ने हाँ कर दिती ते इत्थे कह दिता कि कल नूं असीं आवांगे। बहुत इलाका ही ये सारा नदियां नालियां दा है, रोपड़ दा इलाका। इत्थे जदों आए उपर दी घूम के आपर खाली तो अगे लंघे, नदी भी लंघन ना दवे, गड्डियां महापुरशां नाल कई सन, कहन लगे जाना जरूर है। फिर वो कार उत्थे ही छड्ड दित्ती ते जीप दे विच नदी पार कीती, फिर इत्थे आए। इस अस्थान ते आउंदे ही, क्योंकि कोई अस्थान हुंदे ने सतपुरश त्रिकाल दर्शी हन, कहन लगे कि तां धरती ही बहुत तपस्वी महापुरशां दी इह धरती भागां वाली है। कहिंदे इत्थे तां जाण नूं ही दिल नहीं करदा। उन्हां ने फिर इत्थे अपनी कुटिया बनाई, आ के काफ़ी समा बैठते रहे। आ दरबार साहब थले भोरा साहब साइंटिफिक ढंग दे नाल उन्हां ने बनाया कि इहदे विच पत्थर लाओ, एग्जॉस्ट फाइन लाओ कि बाहरली हवा अंदर क्रॉस करे। बहुत ही साइंटिफिक ढंग नाल इह सेवा कीती। बड़ी शक्ति वाली जगह है। जदों भोरा साहब च पत्थर लग रहा सी, एक भईए ने, उन्हूं तो पता नहीं सी कि किहो जिहा स्थान है, उन्हें बीड़ी ला ली, कंकर टुटी, मिस्त्री जिहड़ा पत्थर ला रहा सी वह टुट के बुल पाड़ दी, दंदां नूं तोड़ दी, लंघ गई। इस तरह ये शक्ति वाली जगह है। किन्ने ही कौतक ने इस पासे वल ना जाइए, बहुत ही ये महापुरशां दी किरपा है। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। असी भी अपने आप नूं वडभागे समझदे हाँ, नहीं तो रतवाड़ा साहब तो निकलदा ही समा नहीं सी। सो बहुत किरपा होई कि एक सुभाग समा ऐसा अवसर सानू भी मिल गया
कि इस महापुरशां दी तपो स्थान ए तपो भूमि ते आके नतमस्तक होण दा। फिर आ रात दी पूर्णवासी रख ली गई। रात दे समय तुसीं वी किन्ना प्यार दा सबूत देंदे हो, किन्नी किन्नी दूर तो संगत इत्थे पहुँच जांदी। दिन खड़े तो ही बाबा बलजीत सिंह जी बहुत ही प्यार नाल बराग नाल कीर्तन करते ने। जीवन भी इन्हों का बहुत प्यारा, सानू तो इन्हों के जीवन तो सीध मिलती है। बड़ा ठंडा जीवन है, शांतमई जीवन है। बड़ी ये कृपा करते ने, किन्ना लंबा समा संगतां नू जोड़ते ने। तो उन्हां तो बाद प्रसिद्ध कथावाचक, नहीं तो कथावाचक असी वेखे हन अजकल। उधर असी गए अमरकंटक, कथावाचक बोल रहा सी, बड़ा सच स्पष्ट। हुण सच बड़ा औखा है, सच कहां तो भांबड़ मचदा है, झूठ कहां तो कुछ ना बचदा है। दिल दोहां गल्लां तो मचदा है, बच बच जिवें जच जच जीवा कहिंदी है, मूँह आई गल न रहिंदी है। बुल्ले शाह ने कहा है सच, वह कह रहा है कि सच सुनना भी औखा तो कहना तो उस तो भी औखा। वो दस रहे सी कथावाचक, मैं लिटरेचर पढ़िया, आ जिहड़ा संतां संग निवास 100 बारी कहिंदा मैं पढ़ चुकिया। उन्हें होरना नूं भी प्रेरणा की कि तुसीं इस लिटरेचर नूं पढ़ के तो वेखो। वो दस रहे सी कि अजकल कथावाचकां नूं गुरद्वारा साहिबान वाले बुलाउण तो डरदे हन। रागी सिंघां नूं बुला लैंदे ने, उन्हां नूं भी कहिंदे ने कि तुसीं कीर्तन करना, कोई गल इधर उधर नहीं करनी। सो इस करके कथावाचक भी समय की नज़ाकत नूं समझदे ने। ऐसे जिवें कथावाचक ज्ञानी इकबाल सिंह जी लुधियाणे तो मीरी पीरी प्रचार जथा, बड़ा इन्हां दा उद्दम है, आत्म मार्ग दे मैंबर बनाउंदे ने, सतसंगी ने, बड़ी खुल के गल करदे ने। सो इन्हां ने भी आके दर्शन दिते। हुंदी है सतसंग ही है, सुनना आनंद आउंदा है बैठ के। किन्ने टकाच हुण पटवारी साहब हुण तां कानगो बन गए, सतसंग दे उत्ते किन्नी रिसर्च करके लियाए। ये सतसंगत दी महिमा दस रहे सन, सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, कि जिथे केवल ते केवल नाम दी व्याख्या होवे ओ सतसंग है। जिस दे विच सारे ए प्यार भरे माहौल दे विच बैठ के ओ सत नाल जुड़ जाण, नाम नाल जुड़ जाण, ओ सतसंग है। ते तुसीं बहुत ही प्यार दा सबूत देंदे हो, किन्ना लंबा समां सतसंग दे विच बैठदे हो। ते अज दी जिहड़ी ए पूर्णवासी है, इस दिन बहुत एक ऐसे महापुरश दा, महात्मा दा अवतार धारण उन्होंने किया, जिन्हों का नाम गौतम एक खानदान सी, गोत सी उस दे नाँ ते चलिया, ना उन्हों दा सिद्धार्थ रख्या गया। आप दा पिता राजा शोधन सी, माता माया देवी सी, राज घराने दे विच आप दा जन्म होया। पालन पोषण बहुत ही जिमें हुंदे ने साहबजादियां दे राजे कुमारां दे जीवन, इस तरह दे नाल उस तरह दे नाल पालन पोषण होया। 18 साल दी उम्र दे विच ब्याह हो गया। जवानी दे विच है बच्चा जन्म तो ही बड़ा सिंसियर, सेंसिटिव, गहर गंभीर सी। कोई ए नहीं सी, सारे जिहड़े उहदी जन्म कुंडली भी बनी ज्योतिष विद्या अनुसार, कि बच्चा कोई दुख दर्द सह नहीं सकता, देख नहीं सकता। इस करके इनू एक ऐसे माहौल दे विच, एक ऐसे वातावरण दे विच पालन पोषण होवे कि इहदे मन नू ठेस ना पहुँचे। हुण ब्याह कर दिता कि चलो मन इहदा इधर लगे, बड़ा सोहना बच्चा जन्म लिया जिहदा नाम राहुल रख्या गया। हुण एक दिन अचानक उस रास दे किले चों इन्हें देखा कि मैं बाहर दी दुनिया भी वेखा,
अपना जिहड़ा रथवाई सी चन्ना उहनूं बुलाया, अचानक वह वेखण चल पिया। रस्ते दे विच की मिलिया कि इसनों एक ऐसा रोगी मिलिया जिहड़ा बड़ा सहारे दे नाल चल रहा सी। चन्ने नूं पुछदा कि कौन है, कहिंदे रोगी है। कहिंदे रोग किवें आउंदा है? चन्ना सतसंगी सी, सतपुरशां दी संगत करन वाला सी। वह कहण लग्या राजकुमार नूं कि हे सिद्धार्थ, इस संसार तां है ही रोग ते सोग दा घर। इत्थे तां जो भी है रोगी है, जिवें कि गुरबाणी ऐसा दसदी है। जो जो दी से सो सो रोगी, जो दी सो रोगी, सिद्धार्थ राजकुमार नूं कहिंदा कि इत्थे तां जो दिसदा है वह रोगी है। अगे पुछ, रोग रहत भी कोई है? क्योंकि सत वजन साधु सब कहे, सत बाणी गुरबाणी रोग रहत किनू दसदी है। रोग रहत मेरा सतगुर ज्योति, रोग रहत मेरा सतगुर ज्योति, जो जो भी सो सो रोगी, जो जो सो सो रोगी, हुण ओ सियाणा सी रथवाही कहण लग्या कि ये तां रोग ग्रस, संसार रोग ने ग्रसिया होया है। कहिंदे ये हर एक नूं ही रोग, क्योंकि राजकुमार सी बहुत गंभीर सी। उसने इस दृष्ट नूं वेख के बड़ा औखा है, रोगी संसार रोगी, नाम दारू मैल लागे सच बिना। हुण डर लगता है, ज्ञानवान सोजीवान वेखदा है। हुण इत्थे भाई इंद्रजीत सिंह जी आए बंबे तो, हुण आए सी, बार बार उन्हां दे ध्यान सी कि मैं इस निर्मल डेरे ते जाके सेवा करनी है, सिमरन करना, सब कुछ छड़ा के इत्थे बह जाना। यात्रा कीती, रतवाड़ा साहब आए, उत्थों कहण लगे कि तुसीं हुण इत्थे 3 दिन हो गए, अगे जाओ। इत्थे आए,
इत्थे आ के हुण शरीर समय ने साथ कित्थे देना, शुगर हो गया, किडनी अफेक्ट हो गई, जे दो गल्लां इकट्ठियां हो जाण, शुगर भी होवे, ब्लड प्रेशर भी हो जावे, पैरालाइज अधरंग दा दौरा पै जांदा है। पर होया कि मन च फुरना सी ते आखिर इत्थे ही आ गए। अज उन्हां दा इत्थे संस्कार करके आए। आ नगर दे सारे प्रेमी, मैं तो हैरान रह गया कि इन्ना प्यार कोई जान नहीं पहचान नहीं, एक यात्रू, सारे नगर वाले बजुर्ग आपो अपने मोढ़ियां ते लकड़ चुकी आउंदे ने, संस्कार करदे ने, सारा प्रबंध, जिहड़े रिश्तेदार मित्र तो भी वध, इन्ना प्यार। मैं तो हैरान कि वह किहड़ा प्यार, एक गुरु का प्यार कि सत्संग के निर्मल डेरे ते ये आए यात्रु संसार की यात्रा पूरी कर गए। पता ही नहीं सी, पर रोग ऐसा कि वो रोग लगता ही सारयां नूं है। ये नहीं कि हुण वो चन्ना कहिंदा कि आ रोगी, कहिंदे रोगी सारे ही, कहिंदे हैं ये किवें सारे रोगी हो सकते ने। वो कहिंदा क्योंकि ये एक वातावरण है, उस दे विच सांह लैंदे ने, पल्यूट हो गया वातावरण, कहिंदा फिर कोई शुद्ध वातावरण भी मिलू। कहिंदे ये हुण देख लो किन्ना समा, 632 BC दी गल है, किन्ने साल पहलां दी। हुण वो कहण लग्या कि वातावरण पल्यूट हो गया, पल्यूशन हो गया, इस करके लोड़ पैंदी है शुद्ध हवा दी। जे रोगी है वो शुद्ध हवा च चला जावे। पहले बैत समा बदल देंदे सी कि चलो जगह बदल देंदे सन कि किते पवित्र स्थान ते जिथे पानी भी वगदा होवे, दरिया दा कंडा, दरख्त होण, बड़ा पानी भी शुद्ध होवे ते जल भी शुद्ध होवे ते वायु भी शुद्ध होवे, उत्थे कहिंदे जावे। इसने धारणा कर ली कि रोगी रोग तो छुटकारा करन वास्ते, कहिंदी की है, कहिंदे ओ नाम है, नाम दारू, ओ दारू दवाई नाम दी सब दे अंदर पई है, हर औखद सब घट है पाई, गुरपूरे बिन बिदना बनाई, गुरपूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। कहिंदे ओ दवाई तक किवें पहुंचिया जाऊ, फिर कहिंदे दे वास्ते शुद्ध वातावरण। हुण उहने सिख्या मिल गई, कहिंदे कित्थे बैठा जाके, कहिंदे जिथे पिपल दा दरख्त होवे ओ ऑक्सीजन ज़्यादा दिंदा है। हुण तो चलो साइंस सिद्ध कर रही है, उन्हां समयां च ऋषि मुनिया दा अनुभव, पिपल दे दरख्त थले बैठ के साधना कर। हुण अगे जदों चलिया फिर रथ रुक गया, कहिंदे ये कौन है, कहिंदे आप कोई बजुर्ग जा रहा है, बड़ा सहज नाल तुर रहा है, सिर कंप है, पग डगमगै, नैन जोत ते हीण, कि पैर का इक रख दे किते जांदा किते, इंद्री का बल थाका, ये बजुर्ग है। इहनू रखिआ है जरा रोग, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बाणी, भज लै रे मन सारंग पाणी। कहिंदे ये बजुर्ग है, जरा रोग आ गया, बढ़ेपा आ गया, कहिंदे ये भी आउणा, कहिंदे हाँ ये तां पता नहीं। गुरु तां इस तो भी अगे दा अनुभव खोलदी बाणी की दसदी है कि प्यारिओ ये तां पता नहीं कि कदों ये हो जावे। कहिंदे इस तों बाद की हुंदा, कहिंदे हुण बढ़ेपा, बढ़ेपे तो बाद की आस है, उस तो बाद तो मौत है। पर बाणी तो ये तो भी पहला दस दी, कहिंदे पता नहीं कदों, ना बारक ना जोबने ना बिरदी कशवंद, ओ वेरा ना बुझिए जो आए पर जम फंद।
हुण रथ अगे चलिया, अर्थी तुरी जांदी है, रुक गया। पुछया ये की है? कहंदे आ देखो बंदा चलिया चौं जणिया दे कन, इह मौत तेरे काल ने गलेला माना, तेरे काल ने गलेला माना, तो दास दे दे तेरे काल ने। हुण चित चेते जो मन चित ना चेते सन। हुण थोड़े अपना नैनो देखते ही जग जाए, आँखां दे सामने ही किन्ने तुरे जा रहे हन, पर असी मनो तरवास दे लैंदे हाँ। मैं ना मरबो मरबो संसारा, हाँ है भी ठीक, मैं तो मरदी ही नहीं, मैं दोबारा फिर जमदी है। होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे बंदना फिर जो नहीं पाए। हाँ हाँ मैं बिचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे। आद जैजगी दवैत साड़ी मिटदी नहीं, ए सानू बन लेंदी है। मैं मेरी हंगता ममता, इस करके जहां आसा तहां वासा, है तो परोपकार ही। परोपकार नू महापुरश दसदे कहंदे की फर्क है, वो एक सोने दी जंजीर है, एक लोहे दी जंजीर है, बन तां लैंदी है। कर्म करत होवे नह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म। कर्म करदा, कम करदा, सेवा करदा, कदे ए मैं ना कहे, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर ई कर सकदे आ। ये तो सतपुरशां दी सता कम करदी है। ओ सतपुरश ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। अज गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध दी जयंती है, इस पूर्णवासी नूं हुण ओह पिप्पल दे दरख्त तले बैठा है। की देखिया हुण उहने सोचिया कि इह तां बंधन बार बार याद करदा है, परिवार दा, ग्रिस्त दा, कुटुंब दा, ग्रिस्त कुटुंब सब मोका फासा, हां ना सकिए राम के दासा। ये भी संगल है, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या घर दी जड़ी नार है। सारे बंधन बंद पवाए, सोए पै किरत नचे सब कोए, नच नच हसे चले सिरोए, उड न जाए सिद्ध न होए, नचन कुदन मन का चौ, नानक जिन मन पौ तिना मन पौ। नौ तरह निरंकार है, न लइए नरक न जाइए, जीव पिंड सब तिसदा देखा जाए। आप
जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सताई है, जे जरवाना पर हर जर वेस करेंदी आई है को रह न परी है पाई है। जे लोड़े चंगा अपना, कौन नहीं चाहता कि मेरा चंगा बने, ता पुन्नो नीच सताई है, पुन करके भी जे उसे नाल बनने गए कि मैं कीता, फिर तो सारा जीरो हो गया। हुण सतपुरशां दी संगत हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। इन्हें की कीता उस समय 28 साल दी उम्र सी, रात टिकी हुई है, इनू नींद नहीं आ रही, घर वाली सुती पई है, बच्चा साल कदा है सुता पिया है, ते इसने परकर्मा कीती, अरदास कीती, ओ परमेश्वर दे वास्ते किधरले पासे नूं तुर पिया, क्योंकि ओ जिवें मुसाफर बन के तुर जांदा है, संसार तो जाना है, जिउंदे जी त्याग करना बड़ा औखा है। ते इहने की कीता, त्याग चले कारवार सुबी चले, त्याग चले त्याग चले कारवार सुबी चले, समय इस दार्थ चल पिया। हुण ए नहीं पता कि किस पासे वल चल पिया, मन च बैराग है, क्योंकि बैराग तो बगैर जे ए है ना, मैं जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग ना छूट समाया। बैराग जदों तक साडे अंदर नहीं आया, बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरह ना उपजे सो तन जान मसान। भावें कहण नूं सी किन्ना कुछ करी जाइए, लोग पचारा करे दिन रात, बाहर भीख अंतर मल माया, शब्द नाहीं कुछ करे छिपाए, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ समान। अंदर तो लोभ रूप कुत्ता बैठा है, किन्ने बैठे ने जिन रच रचिया पुरख बधाते, नाले हों मैं पाई, जन्म मरण उसी को है रे ओहा आप जाए। इस करके ये चक्रां चो निकलन वास्ते हुण बैराग जे नहीं है ता किन्ना कुछ कर लवे, अत सुंदर किन्ना भी होवे, अत कलीन जिन्ना मर्जी होवे, बड़ा ये दस्या है, अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही है
नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। कहिंदे ओ कादा है, कहण नू है कि है इंसान नहीं, बंदे से जे पवे बिच बंदी वेखण को दीदार। देवतियां दर्शन के ताई किन्ना कुछ उन्होंने कितना किता, दुख भुख सहारियां तप कीते। ओ साधन है, साधन पक्ष कर्म आपा इसनु कहिंदे हां। इस तो बाद उपासना हुंदी है, उपासना इत्थे वेखीए किवें हुंदी है। इत्थे एक महापुरश ने बाबा हरप्रीत सिंह जी, अज ही मैनू नाम पता लग्या, पिछले दो ढाई साल तो इत्थे रह रहे ने, उन्हों इंग्लैंड वाले संत कहिंदे ने। वो आया सी इंग्लैंड तो एक महीने वास्ते, साधन करन पहाड़ा ते चला गया, उत्थे बारिश पै गई, इत्थे आ गए। कहिंदे महीना क रहना, जगह ने खिच पाई ते किन्ना साल लंघ गए, किसे नू नहीं पता, मां नू नहीं पता, पिता नू नहीं पता, भरावां नू नहीं पता, सानू भी नहीं दस्या, इत्थे बैठे ने। उपासना दी गल प्रैक्टिकल रूप च, रात दे एक बजे सावधान इशनान करके फिर आ दरबार साहब दे अंदर चले जाते ने, सारी सफाई। फिर गुरु पातशाह जी नू सतगुर मेरा जागत है दियो, ओ जिहड़ा है उस एक तरह दे नाल पूरी उपासना करते ने, सारी सफाई करके फिर गुरु जी ने बेनतियां करते ने कि पातशाह जी आओ अपने सिंघासन दे उत्ते बिराजमान होवो। किड्डी उपासना है, सवेर दे 8 बजे तक किन्ने घंटे हो गए तुसीं आपे हिसाब ला लो, 7 घंटे लगातार ये उपासना करते हैं। गुरु नू जागती जोत समझ के वो की है, वो एह है, जागत जोत जपे निस्वार एक बिना मन एक नया नया, पूरन प्रेम प्रतीत दे व्रत घोर बड़ी मठ पूरन मने, तीर्थ दान दिया तप संजम एक बिना एक निशाने, पूर्ण जोत के कट में तब खालस ताहे न खालस जाने। उपासना इष्ट नो सन्मुख रख के ऐसे जड़े हैं जो दिसे गुर से खड़ा महापुरश। एक दिन सानू पुछन लगे, सी संथ्या ले रहे सी ज्ञानी जी तो, कहिंदे ए तुक पढ़ो अदी तो जिवें सुनी सिखड़ा कहा, कहिंदे सिखड़ा कहीदा, कहिंदे नहीं क्योंकि अनुभव महापुरशां दा। कहिंदे ए है से सस्सा अखर सन्मुख दा वाचक, जिहड़ा गुरु दे सन्मुख होवे, जो दिसे गुर से खड़ा, कहिंदे फिर उहदे तां चरण फड़ो, निव निव उहदे चरणां दे उत्ते निवो चुको, चरण धूड़ पवित्र हुंदी है। सो ये उपासना वेखी इहनां दी, फिर तुसीं देखो किसे नूं नहीं मिलना। एकांतवास निम्रता किन्नी, जीवन की सेध मिलती है ऐसे महापुरशां तो। उपासना करते ने ते सारे दे मन नूं भाउंदे ने,
बाबा आनंद सिंह जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं साकार स्वरूप समझदे होए भोग लवाउंदे। हुण ओ सीस ते रख के कईआं ने देखना कि बाग दे विच की कर रहे ने, कहिंदे गुरु जी सैर कर रहे ने। गुरु जी नूं सीस ते रख के ये उपासना साकार मंडल च सतगुर नूं सन्मुख रख के करनी शरदा बनती है। ये तो बाद फिर उपासना तो बाद फिर ज्ञान हो जाता है, ज्ञान तो बाद फिर विज्ञान अवस्थावां हन। फिर तो ये सारे वो निराकार उहदे विच सारे वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इस तरह के नाल ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बाद दे विच इन महात्मा के नाम नाल कहा, हुण इन्नी साधना कर रहे हैं, पिपल का दरख्त उहदे थले आसन ला लिया, वो इन्ना साधना कीती कि शरीर नूं सुका के रख दिता। जिवें बाबा जी बाबा फरीद जी ऐसे बचन करते ने, तन सुक के हड्डां दी मुठ्ठी हो गया अजे बिना रब कौणिया, ए हड्डां दी मुठ्ठी हो गया अजे बिना रब कौणिया, we'll be right back।
ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਟੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨਾ ਬਰਾਕ ਸਰੀਰ ਸਾਧਨ ਪੱਖ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਪ ਤਾਪਨ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਪਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਨ ਇੰਨਾ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੋਨ ਪਿਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਿਹੋ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਪਰਮਿਓ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਵਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤਤਾ ਰਾਏ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਵਿਧ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰਾ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰ ਤਨ ਨਾ ਸਕਾ ਇਹ ਤਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਏ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋਪਾ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਸਕੇ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਕਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ ਇਹ ਤਾਰ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਸ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਬਚਾਵ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਭੌਰੋ ਡਾਰੀ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਜ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ ਫਿਰ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਧ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਿਆਤ ਸੀਲ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਆਹਾਜ ਸਰਮ ਗਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਬੋਧੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਣੀ ਬੋਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਇੱਧਰ ਚੀਨ 'ਚ ਉੱਧਰ ਜਪਾਨ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ 200
फुट उच्चा किन्ना पहाड़ दे विच बनाया सी, इन्हां ने बरूद नाल हटा दिता कि तो बुत दे पुजारी ने। ओ महात्मा जी ने फिर सद विचार सदगुण दिते ते ए 80 साल दी उम्र तक प्रचार करते रहे। बड़े बड़े राजे इन्हां दे अन्याई बन गए, बड़ा प्रचार किया। फिर 80 साल की उम्र च शरीर का परित्याग किया। सो आपां एक विचार सन्मुख लैके चले कि बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान ओ चन्ना। ये अवस्थावां दा स्थितियां ते नाल बड़ा सतसंगी सी, सतपुरश सी, वह भी ज्ञान करा दिता कि कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान किमें तू इस सद जीवन सत दा जीवन जीना है। सो इस सत्संग दी महिमा है। अज पूर्णमासी दी रात है, तुसी बहुत ही इन्ना प्यार किन्ना एकांत स्थान पिन ड्रॉप साइलेंस किसी दी सां तक दी आवाज़ नहीं आती। बहुत ही ये प्यारा स्थान। सो बहुत इस प्यार भरे वातावरण दे विच पवित्र वातावरण दे अंदर सानू सत्संग दा सुभाग प्राप्त होया। जिमें आपां पूर्णमासी ते कट्ठे हो के एक लैसन एक सबक जो महापुरशां ने दिता उस नूं आपां रिपीट करदे हां। रेपीटेशन च एनर्जी है, सिद्ध हुंदा है। वो की है? जिहड़ा है जागत जोत जपै निसवास दिन ते रात, उस नूं जपदा है वाहेगुरु। वो वाहेगुरु जिहड़ा है कोई ये नहीं इहदे बारे कोई कहे कि सुन मंडल एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे। ये है शब्द, शब्द दी आवाज़। सतपुरश जिहड़ा उपदेश दिता माता जीतो जी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने, वो सत सतसंग इस दे उत्ते कीते। उन्हां दा संग्रह ये पुस्तक है, उहदे विच सारियां अवस्थावां खुल्लियां हन। ध्यान नाल पढ़ियो, इक तां आपां पढ़ जांदे हाँ लंघ जांदे हाँ, विचार च लियायो उस नूं। माता जी ने उपदेश नूं कमा लिया, किड्डे वड्डे फिर जोगी सिद्ध होए। आ त्रिकालदर्शी समय तो पहले ही पता लग गया कि साहबजादियां दी शहीदी माता जी दी शहादत आनंदपुर साहब नूं छड्डना सारा दृष्टांत सामने आ गया। कहिंदे पातशाह वेख्या नहीं जाणा, कहिंदे तुसी जोगी हो गुरमुख आवै जाए नसंग। शरीर छड्ड दिता अपनी मर्जी नाल। इह अवस्थावां जदों असीं अंदरला रस्ता तय करांगे, इस नूं आत्म मार्ग कहा है। महापुरशां ने 10 नां दित्ते सी जदों इहदा टाइटल लैणगे, नाल बचन भी कर दिता क्योंकि उत्थे एक एक्ट है RNI जिहड़ा रजिस्टर्ड कराउणा पैंदा है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर दिल्ली हुंदे ने, वो एक राइट हुंदा है, पेटेंट करा लैंदे ने कि दूसरे का अक्षर नहीं तुसी ले सकदे। जिहड़ा टाइटल किसी ने वरत लिया उहनूं दूजा नहीं वरत सकदा। उत्थे रजिस्ट्रेशन हुंदी है। असीं दिल्ली नूं जाण लगे, महापुरश कहिंदे ना तो इहदा आपां आत्म मार्ग ही रखणा है। 10 नां सी उत्थे रजिस्ट्रार दे अगे रखे, उहने सब तो पहलां टिक मार्क आत्म मार्ग ते कर दित्ती। असीं उहनूं कहा भी नहीं। इधरों महापुरशां दा फुरना है। वह प्रेरणा उस रजिस्ट्रार दे मन च होई, नहीं ना नहीं मिलदे। वह इहदा नाम आत्म मार्ग रखिया। तो ये पहुँचना कित्थे है? जिथे जाके एको बर्म द्वितीया नास्ती, बर्म दिसे बर्म सुनिए एक एक वखाणिए। आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानी है।
उस अवस्था ते पहुंचना। टाइटल पेज बड़ा सोहना इहदा, जिथे भी जांदे आ एकदम हर कोई चाहुंदा कि मैनू इह मिल जावे। कईआं दा मैगजीन नहीं पहुंचदा, बाद च पता लगता वो डाकिया ही रख लैंदा, कहिंदा मेरा देण नूं अगे दिल ही नहीं करिआ। पढ़दे ने सारे, ये खिच पाउंदा टाइटल ही गुरुआं दा सरूप हुंदा। ते इहदे अंदर जिहड़े बचन आउंदे ने बड़े महापुरशां ने कमाईआं कीतीआं, वह अनुभव चो आए हुए हैं। सो बड़ी पातशाह जी की कृपा उन्हां दी एक सदा। हुण इह बाबा गुरिंदर सिंह जी टाइटल पेज बनाउंदे ने, अंदर अठ पेज शिंगारदे ने मैगजीन दे। सो वह महापुरशां दी ही सदा काम कर रही है, जीव दे वस नहीं। 20 साल तो यह मैगजीन बड़ा सफलतापूर्वक चल रहा है, घर घर पहुँचता है। जे असी कहीए कि प्रचार कर सके, साडे तो अपना आप ही नहीं सवार हुंदा, दूजिआं नूं असी की सवार देवांगे, समझा देवांगे। इह तां सतपुरशां दी किरपा कि उन्होंने मीडिया की वरतों की, सारे संसार दे कोने कोने दे विच ये मैगजीन पहुँचिआ। नाम नाल ये जोड़दा है, नाम अंदर है, नाम च स्थिति हो जावे ओ साधु की करदे ने, ओ नाम दी दवाई देंदे ने। महापुरशां दे जीवन साथी परम पूजे सत्कारयोग बीजी कोल जाना, एक कोई आशीर्वाद देनी, पुता माता की आसीस, निमख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ते सतपुरशां ने की दवाई दित्ती, दित्ती साधुआ मैनू नाम दी दवाई, दित्ती साधुआ जी मैनू नाम दी दवाई, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
नाम औखद मोको साधु दिया। साधु साधन संपन्न महापुरुषों की ए पावन धरत निर्मल डेरा हिरदा पुर खेड़ी किड्डा सोहना स्थान। सतपुरुष क्योंकि सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखाणी है नाम नाल जोड़ते ने। वो नाम की दवाई संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहाँ कर फाटे सगल लेखा। वो दवाई एक तो आबैद जी आते ने दवाई देंदे ने ए तन की दवाई ठीक कर दे है। वो जे वो दवाई अंदरली हर औखद सब कठ है पाई वो दवाई तक जे जिमें सतपुरश दस देंदे कि तू इस तरह कर ले दवाई रास आ जाती बेदा संधा संग इकट्ठा होया औखद आए रास विच आप खुलोया दवाई भी रास आ जाती इत्थे आउंदे आ। सो ये नाम तक पहुँचन की जुगत मिलती है वो जुगत सतपुरशा ने दर्शाई है। जो उन्हें अपनाया जाए जिन्होंने भी अपना ली उन्हों का तन भी मन भी रोग हो गए की औखी है सवेरे उठो कुछ खाधा पीता ना हो पेट खाली है दिमाग ते भी कोई भार नहीं। दो वस्तुओं की लोड़ पैंदी है एक तो दिमाग ते कोई भार ना हो दूजा पेट ते भी कोई भार ना हो। इसे करके अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत आ जिहड़ी साधना करते ने जैन मुनि जैन मार्ग संजम अत साधन उस पानी तक नहीं फिर पीते जो सूरज अस्त हो जाता जो सूरज छिप जाता जो सूरज चढ़ता फिर 24 घंटे एक बारी हथा ते लैके छकते हैं बड़ा औखा। पर चलो सत सानू सतगुरां ने की कहा अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा त्या क्षमा तन प्रीत। हुण इत्थे आ बाबा फकीर सिंह जी का शरीर वेखो 80 साल की उम्र मुकाबला चैलेंज करते ने। हुण पिछे जे तमिलनाडु असी गए 4 रातां 5 दिन एक ही आसन च गोडे ला ले छाती नाल सीट ते बैठे रहे जिवें बच्चे गर्भ आसन गर्भ च रहिंदा खादा की कहिंदे इन्हां दी 50 किलोमीटर की खुराक है एक लड्डू बेसण दा 8 लड्डू 500 मील च 400 मील च 400 किलोमीटर च छक लैंदे ने छकदे ने थोड़ा थोड़ा शरीर किन्ना चुस्त फुरत है। 80 साल की उम्र च किन्ना लंबा सफर जद तैयार चैदी रात कह दो चलना हाम हाम तैयार तैयार बर तैयार ने। ये शरीर की खुराक जिहड़ा खाना भी है कहिंदे थोड़ा खाओ जे रज के खा तो फिर दब के पा जे कम करदा उहनू कैलोरी की ज़्यादा जरूरत है प्रोटीन की जरूरत है बच्चा है तो बजुर्ग इन्हां वास्ते वर्त नहीं रखना जरूरी। साढ़े जिहड़े विचकारली उम्र होवे उहदे विच वर्त भी जरूर रखो कि अंदरले जिहड़े कैमिकल अंदर शरीर च बन गए विरोधी तत्व बन गए बाहर आ जाण नहीं फिर कोलेस्ट्रॉल वधदा है खून गंदा हुंदा है किन्नियां अलामतां बीमारियां डॉक्टरां दे वस पैणा पैंदा है।
सो इस करके सतगुरु जी ने नाल ता ही सेवा रखी, सेवा करो। सिमरन याद नूं कहा है करो कि अमृत वेले उठो कर इशनान, सिमर प्रभ अपना मन तन पे अरोगा। उहदे नाल मन भी मन बीमार होना, तन बाद विच, ते फिर कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा परगटे भले संजोगा। बड़ा सोहना समा बन जांदा है। सो अमृत वेले उठो, आसन सिद्ध तां हुंदा है जे शरीर का कोई अंग ना हिले घट्टो घट 45 मिनट। आप ही वेख लियो जे कदे गोडा हिल गया, कदे मोढ़ा हिल गया, कदे इधर वेख लिया, कदे उधर वेख लिया, नचिया टप्पिया भगत ना होए। पातशाह कहिंदे ये नहीं हो सकता, थिर कर वैसो। हुण आओ सतपुरशां दी दरसाई जुगत अनुसार करके फिर आपां दुआ करिए, क्योंकि इलाज कर कर असीं थक गए। दवाइयां दे साइड इफेक्ट ने वह भी काम करनों असर हट जांदा। सैचुरेशन एक देसी दवाइयां दा साइड इफेक्ट नहीं, बाकियां दवाइयां दे तां एक बारी डॉक्टरां दे वस पै जो फिर नहीं छुट सकते। छुटकारा तां कादे विच है, बिन हर भगत नाहीं छुटकारा, बिन हर भजन, भजन तो बगैर छुटकारा नहीं है। इस करके वो करिए शुरुआत ही दिन दी, जो भी उठो उस समय करो, सौन लगे भी करो, उठत बैठ सोबत नाम, सौन समय सौखा जा कर लो पे पे ही, इनू ध्यान च लियाओ, भौखला बनाओ यदा, इस तरह के नाल श्वास ले जाओ छी जाओ। ये तो आना जाना ही है, पर इनू एक सिस्टेमैटिक ढंग के नाल लो। सीधे बैठ के 90 डिग्री ते शरीर होवे, एक तरह के नाल जिमें कीली ते कपड़ा टंगया रीढ़ की हड्डी ते सारा शरीर, क्योंकि ग्रैविटी धरती की खिच पाउंदी है। जे साडा इस तरह के नाल हो गया, भजन च बैठे बैठे नींद आ जू, लगू कि समाधि लगी, समाधि नहीं, उह तां एक नींद है। जे इस तरह खब्बे पासे की गर्दन झुक गई, बड़े गलत फुरने आउंदे ने, सज्जे पासे चंगे आउंदे ने। अफुर अवस्था किवें आउंदी है, श्वास नूं कंट्रोल करो, रीढ़ की हड्डी सीधी होवे, आसन सिद्ध होवे, ग्रैविटी धरती की खिचदी ना होवे, उस समय की करो आ करो। आओ ये करके फिर अरदास भी करो, जो बात दवा ना कर सके सो बात दुआ से होती है, कामल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। स्वास स्वास दे केड़े जप लो वाहेगुरु, वाहेगुरु।
तुम ठाकुर तुम पह अरदास जियो तेरी तुम मात पिता हम आप मेरी पावन जुड़ी रहेंगे
ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਕਰਮ ਪਾਈ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਚਾਵਲੋ ਕੀ ਤੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਤਾ ਵਾਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤ ਦੇ ਰਹਿ ਤਵਾਈ ਤਵੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਾਗੋ ਦੇ ਅਨਪਾਤ ਕਾ ਜੁਆ ਆਦਿਆ ਨੇ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਉੱਚਿਆ ਉਤਾਨਾ ਦੇ ਵਿਲਾਦਵਾਨ ਮੁਰਤੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ अपने मेरे परिवार सिख पढ़ते सुनते सर्वत लाहे वंद होवन धन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे सर्वत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की गुरु रामदास रखो सजना
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਣੇ ਪਾਤ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਪਸਾਉ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਸੀ ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਣੇ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਪਸਾਉ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਸੀ ਸਹਸਾ ਮੂਲ ਨਾਇ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰ ਸੀ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਾਇ ਜਿਨਕੋ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਤਾ ਨਾ ਦੇਵ ਲਿਖਿਆ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪਵਹਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਰੂਰ ਦੂਜੇ ਨਿਵੈ ਕਿਸ ਦਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਏ ਮੂਲ ਪੁੱਛ ਤਿਸ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਜਿਸ ਕਲਿਆਣ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਈ ਦੂਜਾ ਮਤ ਕੋਏ ਆਏ ਉਸਾਰੇ ਸਾਰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਮਾਈ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਡੇਰਾ ਗਿਰਦਾ ਪੁਰਖੇੜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 9 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰ ਕੰਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਉਹ
ਜੋ ਪਿੰਡ ਭਨਾਮ ਹੈ ਨੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ 15-16-17 ਮਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਜ਼ਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21-22 ਮਈ ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਹੈ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕਲੋਨੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਮਾਂਡੋ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਤੀ 21-22 ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-31 ਮਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੋ ਵਿਖੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਵਾਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਨ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਨਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
अन्यान बच्चे संत के माफ करना पापचारी हुआ दिया दे पावन रूप सचखंड के विराजमान करन दे लई दरबार संका दास बेनती जो दी कर दिया सेवा दरार दिया दी हजूरी च हाजिर है आपनिया ने अंग संग होके अपनिया सेवा माफ लेनिया आपनिया दे सचखंड के विराजमान होने तो प्राप्त ਸਰਵਾਤ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪਿਆਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਰਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਾਈ ਹੋਣਾ ਹਰ ਬਨਾਰ ਫਤੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਚਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਖੋ ਤੀ ਪਿਆਲੇ ਮਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ 100% ਵਾਲੀ
इन्हों वालों समझी जाती है वो लगातार जो महापुरुष इतने कर रहे हैं तो उस आप जी के सहयोग की बहुत बड़ी लोड़ है। वो सहयोग की है कि सिर्फ अपना एड्रेस भी पिछे स्टाल के उत्ते देना है ता जो आप जी के कोल जो गुरद्वारा साहब दी सारिया ही सरगर्मियां सारिया ही गतिविधियां जिते जिते भी कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे सपुत्र जो लेख दो पेज आता है वह भी आपके मार्ग के अंदर है। सो आप जी ने भरपूर जानकारी भावे इतिहास की भावे नाम की भावे दुनिया की भावे दीन की उसके वास्ते प्राप्त करने वास्ते आप जी के चरण जरूर बेनती है कि आत्म मार्ग के मैंबर जरूर बनो अते बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार करो गुरु प्यारे सात संगत जीओ रुत अनुसार जड़ी बूटियां पा के तैयार दरगाही प्रसाद आप जी तक पहुंच रहा है। इस नूं शकड़ का जो विधि विधान है वह संसार बेनती है कि शकण तो पहला दृष्टि पा के इस दे विच मंत्र पढ़िया जाए। साडे घर का जो मूल मंत्र गुरु मंत्र है वो दृष्टि पा के जो किसी शकण वाले पदार्थ के दृष्टि पाते हो नाल मंत्र का जाप करते हो वो प्रसाद बन जाता है। वह प्रसाद भरम का दास। इस वास्ते शकण तो पहला कुछ भी शकना हो जरूर ही मूल मंत्र का पाठ करो वाहिगुरु मंत्र जपो फिर छको। इस तरह के नाल प्रसाद के नाम नाल जोड़ देता है बीमारियां दूर हो जाती हैं। छकन तो बाद फिर जिमें मैं बैठा हाँ यह बजर आसन इस तरह के नाल एक ही योग दे विच आसन है जो शकण तो बाद कीता जांदा है। ते नाल तुसी जो सत पुरशां है ये छोटा जिहा प्राणा जांदा ये नहीं कि नहीं करना ये साडे वास्ते बहुत ही जरूरी है। अंदर नूं स्वाद जांदा सवेरे सीधे बैठ के इस तरह करो रात सौन लगे ही स्वास से ध्यान दो। इस तरह अंदर ये सुनो धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी वो ऐसी अकथ कहानी है जी दसन च नहीं आनी ये करन च ही आनी है। ये करया करो ये जिमें तुहानू बेनतियां कीतियां गईयां हन आ दिन रखे सन असी जदों अमरकंटक मध्य प्रदेश दे विच सी उत्थे बड़ा लंबा प्रोग्राम सी पर जदों इधर त्रासदी आई नेपाल दी सोचा कि उधर जावांगे मता करै पूर्व के ताई पच्छम ही लै जा इत्थे प्रोग्राम रखे हुए सन दो दिन दे फिर अचार दी पूर्णवासी आ गई ते आ नाल ही भाणा परत गया भाई अजरजीत सिंह जी जाते जाते होर जिम्मेवारी आ गई कि जिहड़ा मेरा सारा अंतम किरिया करना है ते नवाउण सो कल उन्हां दा इकट्ठ पाठ आरंभ होणे ने पर सानू जिवें दस्सिया है कि पिंड जी जी दे नवें होणा उस तो बाद उस तो अगले दिन सत तरीक नूं इत्थे फिर कीर्तन होणा अठ तरीक इत्थे संसारी वाले महापुरशां दी याद कीर्तन रख्या नौ तरीक उत्थे दस तरीक दी जिहड़ा ज्योती डेरा है उत्थे अफसरगढ़ बाबा वीर सिंह जी दी बरसी है। सो दिन दा रखे सी कि नेपाल जाइए ते इधर भी सांसरा दे रतवाड़ा
ਬਹੁਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਖਹਿਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਅਫਸਰਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 11, 12, 13, 14 ਇਹ 4 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਮਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਅਭਿਆਸ, 1 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਓ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।